अब यहाँ पर यूपी और गुजरात के बाद वेस्ट बंगाल का भी आंकड़ा सामने आ गया। जेईई मेंस का एग्जाम जो कल कंडक्ट कराया गया, यानी कि पहली तारीख को जो कंडक्ट हुआ है, उसके अंदर कितने बच्चों ने एग्जाम छोड़ा है, इस बारे में धीरे धीरे हमारे पास जो है रिपोर्ट्स आ रही हैं। और यहाँ पर वेस्ट बंगाल की जो रिपोर्ट है कि 75% बच्चों ने एग्जाम नहीं दिया है, जो कि खुद वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर ने इस बारे में बताया, जिसका आर्टिकल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में जाइए, उस आर्टिकल को आप पढ़ सकते हैं, जिसके अंदर उन्होंने खुद कहा है कि सिर्फ 25% बच्चे ऐसे जिन्होंने एग्जाम दिए जो कि अपीयर हुए एग्जाम के लिए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बताना चाहता हूँ, अगर आप जेईई मेंस, नीट या एडवांस की तैयारी कर रहे हैं तो आपसे फॉलो कर सकते हैं एयर स्क्वाड चैनल को, जो कि यूट्यूब पे आपको फ्री लेक्चर्स भी अवेलेबल कराते हैं, साथ ही साथ अनअकैडमी प्लस पे एक एजुकेटर भी हैं। यहाँ पे आपको मिलेंगे जेईई मेंस, बिटसेट और नीट से रिलेटेड सारे लेक्चर्स, और साथ ही साथ चीट कोड्स और कुछ ट्रिक्स जो कि आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल हो सकती हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए और चेकआउट करिए। तो आप देख सकते हैं कि ज़रा बच्चे जो एग्ज़ाम को छोड़ रहे हैं, यूपी की बात करें तो 44% ने छोड़ा है, और अगर वेस्ट बंगाल की बात 75, और अगर गुजरात की बात करें तो यहाँ पे 44% बच्चों ने एग्जाम नहीं दिया था। तो इससे क्या फर्क रहा, यही पड़ रहा है कि एक तो आपके कंपटीशन में जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स है वो कम हो रहे हैं, और सेकंड चीज़ ये भी है कि इसके रीजंस क्या हो सकते हैं हम सभी जानते हैं। एक तो कोविड है, ऊपर से और भी बहुत सारी चीज़ें अभी देश में चल रही हैं जिस वजह से बच्चों को दिक्कतें आ रही हैं, और ट्रांसपोर्टेशन सबसे बड़ी बात है, ट्रांसपोर्टेशन की वजह से बच्चों को बहुत दिक्कत आई जिस वजह से एग्जाम नहीं दे पा रहे हैं। आर्टिकल को आप रीड कर सकते हैं, अगर कुछ समझ आए, कोई भी आपको डाउट कमेंट कर सकते हैं, कोई भी आपको नोटिस होता है, बात करेंगे।